बताइए। महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी। विधान मजबूत आप बताइए कौन मजबूत? महाविकास आघाड़ी। ऐसा क्यों आप बताइए, ऐसा क्यों लग रहा है? महाविकास आघाड़ी बताइए ना। क्यों विकास आघाड़ी? क्यों क्यों? महाविकास आघाड़ी सबसे अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। अभी तो विपक्ष में ये सारी जितनी राजनीति पार्टियां स्टेज पर खड़ी है, ये सारी विदर्भ द्रोही पार्टियां है। कौन है विद्रोह? इनकार करो। कौन है? देश जनहित पार्टी जिंदाबाद। महाशक्ति, तीसरी महाशक्ति, जय विदर्भ पार्टी, तीसरी महाशक्ति। अच्छा ठीक है, अभी मैं सबसे सवाल कर लूं, आपको क्या लग रहा है इस बार विदर्भ में कौन मजबूत है, महायुति या महाविकास? महायुति। इन्हें बोले दीजिए ना। वन एंड ओनली देवा भाव। ठीक है, आप बताइए कौन बताइए कौन है मजबूत? महायुति मजबूत है। देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनेंगे या बनेंगे? महायुति की सरकार बैठेगी या देवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे? ये जो महाविकास आघाड़ी है, ये पानी का बुलबुला है, पल में फूट जाएगा और महायुति फिर से कमल खिलाएगा। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलना? महायुति मजबूत। क्या बोलना चाहेंगे? मेरे को एक माइक मत छीनिए, एक एक करके बोलिए। नहीं विदर्भ की, विदर्भ के विषय में बोलना चाहता हूँ मैं ये बोलना चाह मैं ये सुन लेते हैं ना सुन लेते मैं ये बोलना चाहता हूँ कि विदर्भ की जो मांग करने वाले लोग हैं, आज हमारे देवेंद्र जी ने विदर्भ का इतना विकास। आप सब लोग बैठ जाइए। बंटी जी आपने सुना, बंटी जी आपने जनता को सुना, मेरा सीधा सवाल था महाविकास से महायुति सुना, क्या बोलेंगे आप? सारी जनता यह महायुति के साथ में है। आपने ये जो डेवलप बड़ी संख्या में लोग महाविकास का नाम ले रहे हैं, देखिए थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, आगे मत आइए। आप बोलिए महायुति के साथ में आप देखिए पीछे वाली जनता महायुति। ये देखिए शोर मत मचाइए, शोर मत मचाइए। ये देखिए महायुति, महायुति देखिए कहां से भारतीय जनता पार्टी देखिए। चलिए एक सेकंड, एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड, नारेबाजी, नारेबाजी नहीं, थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। कोई सवाल है? कोई सवाल है आपका? कोई सवाल है? अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, अशोक चौहान जो भाजपा के भ्रष्टाचार के लिस्ट में थे, उनको कौन से वॉशिंग मशीन में धो के लिया? उसके चक्की पीसी का आटा भाजपाइयों को अच्छा लग रहा है क्या? सबके सब चोर भाजपा में शामिल हो गए, ये धोखेबाज। महायुति अली बाबा जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ये कौन से पार्टी का पूछो तो? अरे अब जवाब दीजिए ना, आम जनता सवाल पूछ रही है। आम जनता सवाल पूछ रही है, पार्टी की बात क्यों बोलते हैं? उसका रिपोर्ट आया है क्या? ये चोरे करके, अरे वो राष्ट्रवादी के अपने अनिल देशमुख 100 करोड़ लेके बैठे, तब क्या हुआ? 100 करोड़ की वसूली, 100 करोड़ की वसूली करने लगे। अरे जब तो चोरी करोगे, सब चोर तू है, चोर तू है। आप लोग अगले मुद्दे पर घर में किसने बम? नहीं नहीं नहीं, ऐसे आप लोग थोड़ा पीछे जाइए। चोरिया तुम करिए, अगले मुद्दे पर जेब कट्टे तुम है, पीछे जाइए ना प्लीज। आप लोग पीछे पीछे जाइए प्लीज। और तुम क्या बताइए? अब अगला मुद्दा देखिए, जाति की जो काट है, जाति की जो काट है, क्या वो हिंदुत्व काट के जरिए है क्या? अभी हाल ही में, पहले सुन लीजिए फिर मैं आपके पास आऊंगा। अभी हाल ही में मुंबई में भी पोस्टर सामने आए थे जिसमें बटोगे तो कटोगे ये था, तो यानी कि हिंदुत्व कार्ड एक तरह से साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए कि माँ बोधि विहार हेरिटेज है, उसमें जो 1949 का कहीं कानून है तो उसमें 5 ब्राह्मण और 4 भिक्षु रखे हैं, क्या अयोध्या में बाकी के भिक्षु रखेंगे? तो जो 370 कलम रद्द किया माँ बोधि का भी वो कलम। मेरा सवाल है, हिंदुत्व कार्ड देखा जा रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है बीजेपी पर, जो बटोगे कटोगे पोस्टर नजर आ रहे, क्या बोलेंगे? मैं तो कहना चाहूंगा उन्होंने नारा देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने कि पढ़ोगे तो कुछ बनोगे, ये कौन सा नारा दे रहे समाज को बांटने का? ये लोग ने तो समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी नारा देती है जुड़ेंगे तो जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी। ठीक है बंटी जी, बंटी जी जवाब दीजिए, बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने पहला नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, हमने नारा दिया था स्वच्छ भारत का, हमने दिया स्वच्छ भारत का नारा, और हम कहते हैं बंजारी साहब क्या बताइए?
बटोगे तो खटोगे। हमने हरियाणा चुनाव में देखा, अब उसके बाद आप देख रहे हैं झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव से पहले क्या बोलेंगे आप? आपका सुनाई नहीं। जो बटोगे तो कटोगे, आप याद है ना आपको? अरे काटेंगे, ये नारा मीडिया का, ये मीडिया का नारा है। ये चलेगा ये नारा के लिए, जातियों को बांटने के लिए जो नारे दिए गए वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए गए हैं। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी की ये फितरत रही है कि देश की जनता आपस में अलग अलग कास्ट में बट जाए, जातियों में बट जाए। देखिए महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, ये नारा जो है सुदर्शन टीवी ने दिया हुआ नारा, काटेंगे तो बटेंगे, ये ख्याल न रखिए। हरियाणा से किसी हालत में नहीं कर सकते, जिस प्रभु रामचंद्र का नाम लेकर देश के सत्ता में आने का बोल रहे हैं, ये जो नारा है, सुनिए सुनिए सुनिए, टीवी ने सबसे पहले दिया बटेंगे तो बटेंगे, ये नारा कोई ना महायुति ने दिया है ना किसी ने दिया, एक गलत समझ रहे हैं। और गलत दी हनुमान जी का भी नाम लिया, मैं थोड़ा भगवान का नाम लेकर इन लोग प्रश्न का काट हो गई है जी। लेकिन भारत को एक रखने के लिए था, बाकी देश अगर अपन बढ़ेंगे तो बाकी देश पे हावी होंगे, ये उसके लिए था।